आज हम डिस्कशन करेंगे चक्र साधना पे, खास तौर पे ये मैंने चार्ट लगाया आपके लिए, जिससे आपको क्लियर होगा बहुत सारी चीजें इस चार्ट के माध्यम से। पर्टिकुलर जीवन के अंदर सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती है, परेशान ही रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनी हैं या मीडियम क्लास लगा लें, मिडिल क्लास लगा लें, अपर मिडिल क्लास लगा लें, जिनके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो होना चाहिए वो है, फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? चक्र साधना के माध्यम से हम इसका जवाब ढूंढेंगे। यहाँ मैंने 7 चक्र दिखाए हैं और ये 2 नाड़ियाँ, इधर से ईड़ा, इधर से पिंगला जो है निकल रही है, बीच में एक नाड़ी सुषुम्ना भी निकल रही है, वो अगले चार्ट में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मूलाधार, यहाँ पे स्वाधिष्ठान, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे अनाहत, यहाँ विशुद्धि, यहाँ आज्ञा और यहाँ ऊपर सहस्त्रार। इस तरीके से ये चक्र बन रहे हैं। 3 नाड़ियाँ जो हैं वो निकलती हैं मूलाधार चक्र से, जो मूलाधार चक्र का स्थान है, जो जेनिटल और एनस के बीच का एक थोड़ा सा पैच है थोड़ा सा, वहाँ से जो है मूलाधार चक्र निकलता है। अब यहाँ पे 3 नाड़ियाँ हैं। पहली है पिंगला, जिसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। दूसरी है ईड़ा, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तीसरी है सुषुम्ना, जिसको न चंद्र है न न्यूट्रल बोलते हैं, न सूर्य है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये न्यूट्रल है। 3 नाड़ियाँ, तीनों नाड़ियाँ जो हैं मूलाधार चक्र, जैसे मैंने चित्र में दिखाया, मूलाधार चक्र से एक बीच में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसे बल खाते हुए सांप की तरह आगे बढ़ती है। तभी जो है कुंडली शब्द आया है। 2 नाड़ियां, खास तौर पे पिंगला और जो इड़ा है, उनका सांप की तरह ऊपर बढ़ा जाता है। सुषुम्ना जो है वो बिल्कुल सीधे जाती है ऊपर, सहस्त्रार चक्र। एक बात और बता दूं कि मूलाधार चक्र से निकलती हैं, फिर इनका क्रॉस सेक्शन होता है स्वाधिष्ठान चक्र पे, फिर अगला क्रॉस सेक्शन होता है मणिपुर चक्र पे, अगला क्रॉस सेक्शन अनाहत, अगला विशुद्धि, और फिर लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन होता है इनका आज्ञा चक्र पे। यहाँ पे तीनों नाड़ियाँ मर्ज हो जाती हैं, एक सिंगल नाड़ी बन के ऊपर जाती है सहस्त्रार चक्र पे। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तो यहाँ से एनर्जी ऊपर जाती है, 2 नाड़ियाँ मर्ज हो जाती हैं यहाँ पे, और 3री नाड़ी जो है ऊपर चली जाती है, तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन में कैसा अनुभव होता है उसके बारे में भी मैंने, मेरे ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन हम डिटेल में जैसे व्हाइट बोर्ड पे बनाने शुरू किए हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और भी मज़ा आएगा। मेरा टॉपिक है कि सब कुछ होते हुए आप खुश क्यों नहीं रहते हैं। मूलाधार जो चक्र है वो संबंधित है जो रूट चक्र है, मूलभूत सुविधाओं से। मूलाधार चक्र या रूट चक्र मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, धन इत्यादि से संबंधित है। अगर किसी का मूलाधार चक्र वीक है तो उसके पास धन इत्यादि की कमी है। अगर मूलाधार चक्र को ठीक कर लिया जाए तो धन इत्यादि जो है वो जीवन में आने लगते हैं और धन की का जो है बढ़ोतरी होने लगती है। अगर धन आ जाए, अक्सर आपने देखा होगा जिनके पास अच्छा खासा धन है वो दुखी रहते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा मैं, अक्सर लोगों की बात कर रहा हूँ। उनकी रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप खराब हो जाती है, वो होती है स्वाधिष्ठान चक्र। सैक्रल चक्र ये वाला, यहाँ पे जो तत्व है वो पृथ्वी है, मूल सुविधाएं। यहाँ जो तत्व है वो जल है, जल है। जल में जैसे हिलोरे आते हैं ना, तो वैसे हमारे जीवन में हिलोरे आने लगते हैं। सब कुछ होते हुए, पैसा है, सब कुछ जेबें भरी हैं, अपना मकान है, गाड़ी है, लेकिन खुश नहीं है।
हो क्या रहा है कि मणिपुर चक्र, ये मणिपुर चक्र है, यहाँ मैंने ये डॉट लगा दिया, ये मणिपुर चक्र है इस जगह पे। मणिपुर चक्र पे ये लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, नीला लगा देता हूँ ताकि दिखाई दे। मणिपुर चक्र पे एनर्जी है, मणिपुर चक्र पे एनर्जी होगी तो ही आप धन कमाएंगे, तो ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। एनर्जी नहीं होगी तो दोनों क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही शिक्षा में बढ़ पाएंगे ना कहीं और बढ़ पाएंगे। मणिपुर चक्र पे एनर्जी है लेकिन वो नीचे की ओर फ्लो कर रही है, मणिपुर चक्र पे एनर्जी जो है वो नीचे की ओर फ्लो कर रही है। दो चक्रों का मैंने समझा दिया, मणिपुर चक्र अग्नि, अग्नि तो है नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर नहीं जा रही, नीचे की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जाए तो अनाहत चक्र है, वहाँ नहीं जा रही। अनाहत चक्र पे जिस दिन एनर्जी पहुँचनी शुरू होगी, या कनेक्टिविटी होगी, खाली व्यक्तियों से नहीं पूरी सृष्टि से, नेचर से कनेक्टिविटी होगी, पेड़ पौधों से कनेक्टिविटी होगी, पक्षियों से होगी, जानवरों से होगी, सबसे कनेक्टिविटी होगी, तब जो है आप देखेंगे कि जीवन जो है अब शांत होने लगा है। समस्या यही है, अब ये होगा कैसे? ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने चक्र साधना, अब होगा कैसे? ये होगा चक्र साधना से, इससे चक्र साधना को सीखना होगा। चक्र साधना ऐसे नहीं होती, चक्र साधना को सीखना पड़ता है, चक्र साधना और सीखना भी योग्य टीचर के सानिध्य में पड़ता है। चक्रों को ऐसे हाथ नहीं लगाया जाता, ऐसे हाथ लगाओगे तो फंस के खड़े हो जाओगे, परेशानी होगी, क्योंकि इनके मंत्र हैं। जो पहला चक्र है उसका जो बीज मंत्र है लम, दूसरा जो चक्र है उसका बीज मंत्र है वम, तीसरा जो चक्र है उसका बीज मंत्र है रम। इनको बोलने का क्या तरीका है और इन पे हम कब काम, सीधे काम करना शुरू कर देंगे या समय लगाएंगे, कुछ सोचेंगे। सीधे काम करना शुरू नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं पहले। कौन कौन सी? नंबर एक, एकाग्रता, सबसे इम्पोर्टेंट, एकाग्रता सबसे इम्पोर्टेंट। एकाग्रता कहाँ से आएगी? सबसे आसान तरीका योग निद्रा। नंबर दो, त्राटक। आसान तरीके बता रहा हूँ, और तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके बोले जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, योग निद्रा और त्राटक करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा आपके पास? आ जाएगी क्या? आ जाएगा चक्रों के काम करने की शक्ति आ जाएगी। इनको अप्लाई करेंगे और फिर चक्र साधना करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।